हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 7 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 22.3। तो देखिए 5 नंबर से और 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को देखिए प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना है। तो पहले प्रथम 9 सम संख्या को लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रथम 9 सम संख्या बराबर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारा 9 प्रथम सम संख्या हो चुका है। अब देखिए आंकड़ों का संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंकड़ों का संख्या 9 है, यानी कि विषम संख्या है, उसको यहां पर अब लिखेंगे हम लोग। यहां आंकड़ों की कुल संख्या बराबर 9 है, ओके। और ये हमारा क्या है, 9 n है, और 9 जो है सम है या विषम है, तो यहां पर विषम है, विषम संख्या, ओके, विषम संख्या है, बस विषम संख्या है। अब देखिए जब आंकड़ों का संख्या विषम होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका बराबर n प्लस 1 बाय 2वां पद, 2वां पद, ओके। तो चलिए हम लोग अब वैल्यू पुट करते हैं, n यहां पर देखिए 9 है, तो 9 प्लस 1 बटे 2, अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर बट्टे 2 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 एक 2, 2 5 10, यानी कि देखिए पांचवा पद। अब देखिए पांचवा पद में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद में हमारा 10 है, ओके। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, अतः माध्यिका बराबर आप देख सकते हैं पांचवा पद में हमारा 10 था, तो इस तरीके से 10 इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वैसे संख्या को बोलते हैं जो ज्यादा बार यहाँ पर रिपीट होता है या सबसे ज्यादा यहाँ पर रहता है। देखिए 9 कितना बार है, 9 एक बार है, 7 1, 2, 3, 4 बार है, ओके। फिर देखिए 3 दो बार है, 6 एक ही बार है, फिर 7 यहाँ पर 4 बार है, 10 एक बार है, 14 एक बार है, 7 फिर 4 बार है, 3 दो बार है, 1 बार है, 2 एक ही बार है, 5 भी एक बार है, 7 यानी कि देखिए, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ 7 सबसे अधिक बार है, यानी कि कितना बार है, 4 बार है, अतः बहुलक बराबर 7, ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का मध्यमान एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्यमान एवं बहुलक ज्ञात करना है, तो पहले मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पहले इसको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो यहां पर पहले हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसको, आंकड़ों का आरोही क्रम बराबर सबसे छोटा यहां पर 2 है, उसके बाद और एक बार यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद और एक बार 3 है, फिर 4 है, 1, 2, 3 बार 4 है, फिर हमारे पास 5 एक बार है, फिर एक बार 6 है, तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। यहाँ पर देखिए आंकड़ों का संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ आंकड़ों की कुल संख्या बराबर 9, और ये हमारा n है, ओके। आप n को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर विषम लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो 9 है वो विषम संख्या है, विषम संख्या। अब देखिए मध्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखते हैं, मध्यमान क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है आंकड़ों का संख्या, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, n के लिए हमारे पास 9 दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर 1 है, बट्टे 2, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बट्टे 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए 2 एका 2, 2 पच्चे 10, 5। अब देखिए पांचवा पद में कौन है, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको ये लिखना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर पांचवा पद, अब देखिए पांचवा पद में क्या है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद में हमारा 4 है, तो नीचे लिखना है आपको, अतः मध्य मान बराबर 4। देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा पद में 4 है, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक इसमें क्या होगा, सबसे अधिक बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 4 देखिए 1 2 3 3 बार है, और 5 6 1 1 बार है, तो 4 यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। तो नीचे लिखना है यहाँ पर, यहाँ 4 सबसे अधिक बार है, अतः बहुलक बराबर 4, बहुलक बराबर 4, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता द्वारा बेचे गए पतंगों की संख्या से संबंधित आंकड़ा निम्नलिखित है। देखिए लाल पतंग 18 पीस बेचा है, पीला पतंग 22 पीस, काला पतंग 20 पीस, हरा पतंग 25 और फिर नीला 30। और देखिए आंकड़ों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए किस रंग के पतंग की बिक्री अधिकतम हुई है, तो बताना है कि कौन सा रंग का पतंग सबसे अधिक बिका है। तो देखिए सबसे अधिक कौन सा संख्या है, यहाँ पर देखिए 30 है, 30 कौन सा कलर है, नीला कलर। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर, उत्तर बराबर पहला नंबर का उत्तर देखिए नीला हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा नीला। फिर देखिए सेकंड, नीला पतंग, ओके नीला पतंग। फिर देखिए सेकंड नंबर, प्रश्न संख्या पहला का उत्तर देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक संख्या है, अधिक बार नीला रंग यानी कि 30 बार बिका है, ओके। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार जो रहता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक, बहुलक, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है 6 10 10 11 13, इसका माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। पर हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, यहाँ पर लिखना है माध्य बराबर, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं परीक्षणों का कुल योग या योगफल, ओके। आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सभी परीक्षणों का योगफल, परीक्षणों का कुल योग वही है, बस शब्दों का हेर फेर है, बटे परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या बराबर। देखिए कुल परीक्षणों का योग सबको जोड़ते हैं, 6 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 11 जोड़ 13, 6 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 11 जोड़ 13 बटे 1 2 3 4 5 है, 5 परीक्षणों की संख्या है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो चलिए नीचे ही सॉल्व करते हैं, 6 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 11 जोड़ 13 सबको हम लोग जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 बटे 5, नीचे 5 है इसको काट देंगे, 5 का 5 5 10 50, तो इस तरीके से 10 हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर, माध्य बराबर 10 आया है। अब हम लोग माध्य निकाल चुके हैं, माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका
माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। ओके, तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं पहले। वैसे तो आरोही क्रम में सजा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं, आरोही क्रम में नहीं सजाने से चलेगा, आरोही क्रम में ही है। तो माध्यिका का डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रेक्षणों का संख्या देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, विषम संख्या वाला होता है एन प्लस वन बाय टूवा पद। ओके, इसको ध्यान देना है, फॉर्मूला गलत नहीं करना है। अगर यहां पर सम संख्या रहता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, उसको ध्यान देना है। अब देखिए एन यानी कि टोटल यहां पर प्रेक्षण 5 है, तो इसको लिखेंगे 5 + 1 बट्टे नीचे देखिए 2 है, इतनवा पद। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 / 2, इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 बराबर तीसरा पद। तो देखिए तीसरा पद में क्या है, 1, 2, 3 10 है। तो इस तरीके से अतः माध्यिका बराबर 10, ये हो जाएगा इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब देखते हैं बहुलक। ओके, यहां पर बहुलक निकालना है, हम देख सकते हैं। तो बहुलक सबसे अधिक बार कौन सा संख्या है, यहां पर देखिए 6 एक बार है, 10 दो बार है, और 11 एक बार है, 13 एक बार है, 10 दो बार है, यानी कि सबसे ज्यादा बार 10 है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां 10 सबसे अधिक बार है, अतः बहुलक बराबर 10, ये हो गया इसका आंसर। अर्थात हमारा माध्य भी 10 आया है, आप देख सकते हैं माध्यिका भी यहाँ पर 10 आया है, और फिर बहुलक भी हमारा 10 आया है, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप मैथ समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, 9 नंबर, जिससे माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया हुआ है 10, 8, 4, 7, 8, 10, 15, 10 और 0। तो इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए माध्यिका निकालने में हम लोगों को आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। 9 नंबर में तो आरोही क्रम में ही दिया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आरोही क्रम में नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम बराबर, सबसे छोटा देखिए यहाँ पर 0 है, 0 को पहले लिखना है, उसके बाद 4 एक बार है, 7 एक बार है, 8 देखिए दो बार है, उसके बाद 10 तीन बार है, 10 तीन बार है, 10 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 एक बार है। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम हम लोग सजा चुके हैं। अब इसका माध्य निकालते हैं, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। अभी हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ओके, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं डायरेक्ट बनाता हूं। सबको हम लोग प्लस करेंगे, 0 + 4 + 7 + 8 + 8 + 10 + 10 + 10 + 15, जितना भी यहां पर आंकड़ा था सबको हम लोग जोड़ दिए हैं बटे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहां आंकड़ा है, तो नीचे 9 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर का सबको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा, 72, फिर देखिए नीचे 9 है, 72 / 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 × 9, 9 × 8 = 72, तो इस तरीके से 8 हमारा देखिए माध्य आ चुका है, ये हो गया इसका आंसर। अब लोग बढ़ते हैं माध्यिका की ओर, माध्यिका, माध्यिका देखिए यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, प्रेक्षणों की संख्या 9 है, यानी कि विषम। तो विषम जब रहता है प्रेक्षणों की संख्या, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एन प्लस वन बाय टूवा पद, टूवा पद। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एन एन के स्थान पर हम लोग 9 लिखेंगे, क्योंकि टोटल 9 पद है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 प्लस, फिर देखिए 1 बट्टे नीचे देखिए 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 9 में 1 जोड़ने से 10 हो जाएगा बटे 2, इसको काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी कि 5 आया है, पांचवा पद। अब देखिए पांचवा पद में क्या है, आरोही क्रम वाला को देखना है, क्वेश्चन वाला को नहीं देखना है। ओके, आरोही क्रम में सजाकर पांचवा पद देखना है, 1, 2, 3, 4, 5 हमारा पांचवा नंबर में 8 है, यानी कि माध्यिका 8 हो जाएगा, अतः
माध्यिका बराबर 8, ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए बहुलक, बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, यहाँ पर देखिए 10 तीन बार है, 8 दो बार है, तो 10 इसका बहुलक हो जाएगा। तो नीचे लिखना है यहां 10 सबसे अधिक बार है, अधिक बार है, अतः बहुलक बराबर 10, ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये मैथ आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट करिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।